लगा कि फैमिली की फिल्म है और हम सब लोग बप्पी दा से बहुत जुड़े हुए थे। रेगो जो है बप्पी दा का नाती है, उसने बनाई, उसने गाना गाया है और खूबसूरत पड़ोसन के हम सब लोग हिस्से हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बधाइयाँ बहुत बहुत सबको। और ये लास्ट डे है फिल्म का, लास्ट शूट है और जैसे साहब कह रहे हैं कि इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी तरह से ये शूट भी हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म जिस तरह से शूट हुई है उस हिसाब से रिसीव भी की जाएगी और फिल्म अच्छी बनी है, फिल्म अच्छी चलेगी। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इस फिल्म के बारे में। एक तो बप्पी दास के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई है, उनकी फैमिली से जुड़ी हुई है और इसका टाइटल बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगा। हाँ, मूवी जनर में है, कुछ एक सीरियस बातें भी हैं इसमें। राजपाल जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो सॉन्ग का पहले भी हमने कवर किया था, सॉन्ग काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग है, आपका जो ड्रीम सीक्वल है उस पर क्या कह रहे हैं, जो कितना मज़ा आया आज लास्ट दिन भी है ये सॉन्ग को लेके? ये जिस तरीके से इतना सॉन्ग अच्छा है, वो रेगो ने गाया भी उतना ही अच्छा है और हम सब इसके, क्योंकि हम फिल्म के सब लोग पात्र हैं और इस सॉन्ग का भी हिस्सा होने का मौका मिला तो सब ने खूब इंजॉय किया है। और लाली जी ने जिस तरीके से इसमें, तो इसमें सब लेजेंड हैं, मैं भी इसका हिस्सा हूँ तो बस यही कह सकता हूँ कि सबको खूब पसंद आए। और रेगो का ये डेब्यू सॉन्ग है ना? नहीं, और भी पहले भी गाया है, पहले जी दादा की धुन पे पहला सॉन्ग। हाँ, दादा की धुन पे पहला। आप क्या कह रहे हो, इतने बड़े कलाकार रेगो की तारीफ इतनी कर रहे हैं? ये सब अपने फैमिली मेंबर हैं, ये तो बॉलीवुड इन लोगों पे टिकी हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। वही नहीं, जस्ट लाइक अभी आप लोगों का प्यार चाहिए, ऑडियंस का प्यार चाहिए, तो सब ईश्वर का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा लग रहा है। राजपाल जी, आपसे एक सवाल रहेगा, हेरा फेरी 3 को लेके काफ़ी बहुत लोग खुश हुए जिस तरह अनाउंस करनी, पहली तस्वीर भी आई, आपका किस तरह का रोल रहने वाला है, क्या आपको हेरा फेरी 3 में देखने वाले हैं? अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी है, अभी अनाउंसमेंट है, बाकी चीज़ें बाद में सब करेंगे इसको लेके। और आप मैं तो बहुत खुश हुआ और बहुत नहीं 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 और एंटरटेनिंग फिल्में रही हेरा फेरी और हेरा फेरी 2, तो 100% इस फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि खूब जनता जनार्दन का खूब इंजॉय हो और जिस तरीके की एंटरटेनिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं वो सब उस खूब और अच्छे प्रोग्रेसिव वे में देखने को मिले, बस यही सर। मेरा सवाल आपसे, दैट आई डोंट नो, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड मैं ये समझता हूँ कि ये खूबसूरत पड़ोसन ही नहीं बल्कि खूबसूरत फिल्म भी होगी, क्योंकि आई नो द डायरेक्टर राजन जी और बालकृष्ण जी और गोविंद जी और ये जिसके जो डी ओ पी है अनिल डांडा जी, बहुत पुराने साथी हैं हमारे, बहुत अच्छी फिल्म बनी। और फिर जहाँ राजपाल हो और हमारे दोस्त ऐसे हो गोविंद जी हो, तो फिर फिल्म का क्या कहना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी कलाकार अच्छे हैं और आई होप कि गुड अच्छी फिल्म बनेगी और लोग इसको पसंद करेंगे, पब्लिक पसंद करेगी और मीडिया आप हैं, आप इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ही फिल्म के लिए फ़ायदा है। अभी आप लोगों ने गाना देखा है तो इस गाने के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, आपके थ्रू इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाएगा तो ये हमारी फिल्म के लिए भी अच्छा होगा, बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, जो जिसने कमाल का गाया है, कमाल का गाया, उस लेवल का गाया जिस लेवल पर बप्पी दा गाते रहे हैं जिनको हम सुनते हैं। गाने की शूट के दौरान आप तीनों से सवाल रहेगा मेरा ये, बप्पी दा को कितनी बार आपने याद किया? जब मैं बैठा था ये गाने देख रहा था, बप्पी दा की जो पुरानी धुन की और पुराने यादें काफ़ी ताज़ा हो गई मेरे मन में, तो काफ़ी ज़्यादा। मैं तो कह रहा हूँ जब जब रिहर्सल हो रहा है पहली लाइन बजती तो बप्पी दा की याद आती है। लुक भी काफ़ी मिल रही है। नहीं, लुक भी मिल रही है और वो नक्शे